सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करें जियो फोन और हॉटस्पॉट को इनेबल कैसे करें। दोस्तों मैं इनेबल करके बताऊँगा जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट को। यानी दोस्तों हॉटस्पॉट दोस्तों जियो फोन के बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं दोस्तों, वो हॉटस्पॉट को लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। लेकिन कुछ ही मॉडल के अंदर आप आया, मेरे फोन के अंदर दोस्तों हॉटस्पॉट का ऐप दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आपको सब कुछ इसके अंदर बताने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे पहले डेटा कनेक्शन ऑन करें इसका। अब दोस्तों बात आती है ओमिनी एसडी फाइल, दोस्तों मैंने इसके अंदर एक बार ले रखा है। तो ओमिनी एसडी फाइल दोस्तों कहाँ से लेंगे दोस्तों, आपके लिए मैं ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने अभी तक जियो फोन को रूट या फिर फ्लैशिंग नहीं किया है ओमिनी एसडी फाइल के लिए। दोस्तों मैं आपके लिए फ्लैशिंग वाला वीडियो भी लेकर आऊँगा। दोस्तों बिना कंप्यूटर बिना लैपटॉप आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए बनाऊँगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यह बात जरूर बताना कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। अब दोस्तों यार जे बी हॉटस्पॉट, इसको यदि आप ओपन करोगे यानी ऊपर देखते हैं ना आइकन आएगा हॉटस्पॉट का, देखो थोड़ा सा जूम आउट, ऊपर देख सकते हैं हॉटस्पॉट का आइकन आ चुका है। अब दोस्तों इसको काट दो चाहे इसको ऑफ कर दो ऐप को, लेकिन हॉटस्पॉट ऑन रहेगा। अब दोस्तों मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं इसलिए दोस्तों मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूँ। यानी देख सकते हैं हॉटस्पॉट, यहाँ पे हॉटस्पॉट का आइकन आ चुका है और जब इसको ऑफ करना चाहते हैं देखो ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। यदि आप ऑन करना चाहते हैं दोबारा तो ये दोबारा यहाँ से ओपन नहीं होगा, दोबारा ऐप को ओपन करना पड़ेगा आपको। और इसको दोस्तों आप बिना दोबारा देता हूँ, बिना दोस्तों आप इसके अंदर जियो स्टोर ओपन हो गया, एक बार काटते हैं इसको। दोस्तों इसके अंदर हार्डवेयर तो है लेकिन दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये दोस्तों हॉटस्पॉट का। इसको मैंने एक बार ऐसे ही अपने निजी रूप से कर रखा है, एक बार इसके अंदर ला रखा हूँ। जियो स्टोर को काट रहा हूँ, बार थोड़ा कट नहीं रहा है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे यार जे बी हॉटस्पॉट, इसको करते हैं हम ओपन। ऊपर हॉटस्पॉट का आइकन आएगा, देखते रहना, वो आ गया फीका आइकन, यानी अभी तक आइकन गहरा नहीं है। और इसका वाईफाई और इसका नाम है जियो फोन और सिक्योरिटी है इसकी, सिक्योरिटी पासवर्ड 8928138 है इसका सिक्योरिटी पासवर्ड है। इसका आईपी एड्रेस सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। और इसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर जियो फोन को कनेक्ट या फिर जोड़ सकते हैं। दोस्तों हॉटस्पॉट को दोस्तों बिना फ्लाइट मोड पर भी ऑन कर सकते हैं लेकिन हॉटस्पॉट काम नहीं करेगा। यानी ये दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप ये तो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर ही होता है। अब देखते रहना यहाँ पे एयरप्लेन मोड के साथ एक दूसरा आइकन आएगा। वाईफाई हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए एयरप्लेन मोड ऑन करें। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। वाईफाई हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए एयरप्लेन मोड को ऑफ करें। अब दोस्तों को विश्वास तो हो गया ही होगा, दोबारा ओपन करता हूँ। एक बार यहाँ पे ऑन होगा, वापस ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। यानी वाईफाई हॉटस्पॉट को एक बार ऑफ करना पड़ेगा, यानी ऑफ ऑफ क्या सॉरी ऑल मोड को आपको ऑफ करना पड़ेगा इसके अंदर। इसको दोबारा ओपन किया और देख सकते हैं हॉटस्पॉट का आइकन आ चुके हैं। अब यदि दूसरा डिवाइस होता तो मैं आपको सर्च करके बता देता कि यार वाईफाई हॉटस्पॉट, तो मैं इसको कनेक्ट कर रखा है ऊपर वाले मोबाइल से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, वीडियो करना अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ बिना कंप्यूटर से रूट करने का तरीका। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साथ। जय हिंद, जय भारत। और हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट से कनेक्ट भी हो चुका है मोबाइल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको भी रूट करना है। धन्यवाद।